पारिजात का जो पुष्प है, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यदि हम देव अधिदेव महादेव की पारिजात के फूल से आराधना करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल भी हमें अधिक प्राप्त होता है। पारिजात का पुष्प, हम तो यहां तक कहेंगे अगर आपके यहां हर्ष की प्राप्ति आपके भीतर, पंच पुष्प में से एक पुष्प पारिजात का फूल, जिसको हार श्रृंगार का फूल भी कहते हैं, जिसको शिडली का फूल भी कहते हैं, हार श्रृंगार का फूल, ऊपर से सफेद, नीचे जो उसकी डंडी होती है वो थोड़ी नारंगी होती है, संतरे के कलर की होती है, नारंगी कलर। महाराज रात्रि में खिलने वाला यह फूल, रात्रि में जो फूल खिलता है पारिजात का और हार श्रृंगार का, जो ये पुष्प है जिसको हार श्रृंगार भी कहते हैं, पारिजात भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको शिडली का पुष्प भी कहते हैं, ऊपर से सफेद होता है, नीचे उसकी जो डंडी होती है वो नारंगी कलर की होती है। शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, जिस समय पर संतान की प्राप्ति नहीं होती या किसी कारण से हमारे यहां वंश की वृद्धि नहीं होती, तब देव अधिदेव महादेव की आराधना पारिजात के फूल से करी जाती है। अब उस पुष्प को चढ़ाने का एक तरीका है, जरा ध्यान दीजिएगा। पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा आप लोग सुनने के लिए बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठे हो, उसको समझिए। पारिजात का जो फूल शिव जी को चढ़ता है, भगवान देव अधिदेव महादेव को चढ़ता है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल नीचे गिरने का स्थान। आप लोगों ने पहले कथा सुनी है ना सबने, आपको सबको मालूम होगा, राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह, जहां पर ये शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग के रूप में, शंकर भगवान के रूप में ये शिवलिंग है, ऊपर से जो एक एक बूंद जलाधारी नीचे गिरती है वो शंकर भगवान की पांच लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की पांच बेटियां। वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए या अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पारिजात हार श्रृंगार के फूल की शिव जी को आराधना होती है। हार श्रृंगार का जो पुष्प होता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पारिजात के पुष्प को समर्पित करते हैं। उसकी डंडी का जो मुख है वो शिवलिंग की ओर होता है, जब अपन अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, और फूल का मुख इधर होता है। वापिस उसी पारिजात के पुष्प को उठाकर हम माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, जो गोल हस्त कमल है, वहां समर्पित करते हैं। उस जगह पर माता पार्वती जी की ओर से जो पुष्प समर्पित किया जाता है, उसकी डंडी पारिजात की हमारी ओर होती है, पुष्प का मुख महादेव की ओर होता है। तीसरी जगह, जब हम पारिजात के पुष्प को अशोक सुंदरी पे से उठाकर जगत जननी के हस्त कमल पर रखते हैं, हस्त कमल पे से उठाकर देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर रखते हैं, उस समय पर पारिजात के पुष्प की डंडी शिवलिंग के ऊपर होती है और फूल का मुख अपनी ओर होता है। इस जगह पर पारिजात के पुष्प की डंडी के केसर से ही महादेव को त्रिपुंड लगाया जाता है और महादेव से प्रार्थना करी जाती है। अब पारिजात के फूल का केसर कैसे बनाना है वो भी एक बार आप लोग अच्छे से समझे। जैसे मान लो, अभी पारिजात का तो फूल यहां पर नहीं है, पर आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, पारिजात पुष्प की जो पीछे की डंडी होती है, फूल सफेद और पीछे जो डंडी होती है नारंगी कलर की, केसरिया कलर की, उसको तोड़ लिया जाता है। तोड़कर ऐसी 25-50 फूल की पीछे की डंडी को तोड़कर उसको रख दिया जाता है। उसको धूप में नहीं सुखाते, केवल घर में उसको एक कटोरी में या थाली में रख दो, वो धीरे धीरे सूख जाएगा। सूखने के बाद उसको पीस लो, पीसकर उसका चंदन तैयार हो जाएगा पारिजात फूल की उस डंडी का। और जिस समय वंश के लिए, सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए या
वैभव प्राप्ति के लिए हम पारिजात का पुष्प देवादित्य महादेव को समर्पित करते हैं। उस समय इसी को पानी में घोल कर देवादित्य महादेव को जब आप लगाएंगे तो जैसे केसर घुलती है, केसर का जैसे कलर होता है, केसर जैसी सुगंध करती है, वैसे की वैसे ही ये पारिजात की जो डंडी आप लोगों ने सुखाई है, वही डंडी का जो चंदन बनाया है, शिव जी को लेपन करा है, उस समय पर अपने हृदय की बात आपने जो देवादित्य महादेव को कही है, बस वही सुगंध हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाती है, वो पार जा हार श्रृंगार। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हार श्रृंगार के पुष्प, पारिजात का जो पुष्प है, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यदि हम देवादित्य महादेव की पारिजात के फूल से आराधना करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल भी हमें अधिक प्राप्त होता है। पारिजात का पुष्प, हम तो यहां तक कहेंगे अगर आपके यहाँ हार श्रृंगार का पेड़ लगा हो, पारिजात का पुष्प यदि आपके यहाँ होता हो, रात को खिलता है, सवेरे मिलता है, ऐसा पारिजात का अगर वृक्ष आपके यहाँ लगा हो तो प्रयास करना। 12 महीने शिवरात्रि आती है, बोलो आती कि नहीं आती? आती है ना 12 महीने, 12 महीने शिवरात्रि आती है। कैलेंडर पर एक गोला बनाकर रख देना कि हमको ये शिवरात्रि आई है, हर महीने की शिवरात्रि तुम्हारे ध्यान में रहेगी, एक पारिजात का पुष्प, हार श्रृंगार का पुष्प, एक अगर देवादिदेव महादेव को आपने चढ़ाना चालू कर दिया, समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, तो आपको पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महादेव हाथ पकड़ ही रहेगा। पारिजात का पुष्प शिव को समर्पित। सफेद कलर का पुष्प है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, केसरिया कलर की, नारंगी कलर की उसकी डंडी है, भगवान शिव को समर्पित। जब हम देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को जब हम जल चढ़ाते हैं, उस समय पर भी भगवान को अगर तुम्हारे पास में थोड़ा सा पारिजात की जो डंडी है सुखाई है, आपने पारिजात फूल के नीचे की जो डंडी है उसको तुमने सुखाकर अगर चंदन बनाया है, तो वो चंदन आप प्रतिदिन भी देवादिदेव महादेव को समर्पित कर सकते हो। पारिजात पुष्प, एक बात और हमारे स्मरण में रहे, भगवान शिव को जो ये 5 तरह के पुष्प समर्पित करे जाते हैं, इन पुष्पों की डंडी जो पीछे लगी होती है इसको तोड़ा नहीं जाता शिव जी को चढ़ाते समय, इसका स्मरण आपको रहे। 3 शिवालय ऐसे हैं जहां पर पारिजात के पुष्प को समर्पित कर देने से, भगवान शंकर को अगर पारिजात का पुष्प समर्पित किया जाता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पहला, मां नर्मदा से निकला हुआ कंकर नर्मदेश्वर महादेव, अगर कहीं नर्मदा जी के कंकर से शिवलिंग बना हुआ है तो मां नर्मदा के शिवलिंग पर पारिजात का पुष्प समर्पित होता है। दूसरा, जो शिवालय एकांत में हो, एकांतेश्वर महादेव, जो एकांत में बैठे हो, भले ओटले पर बैठे हो, अकेले बैठे हो, एकांत में बैठे हो, वो एकांतेश्वर महादेव पर भी पारिजात का पुष्प समर्पित कर देने से, अगर कोई अदालत का कोर्ट केस होता है तो बाबा देवादिदेव महादेव का मात्र पारिजात पुष्प का स्मरण या उसको समर्पित कर देने से भी फल की प्राप्ति होती है। तीसरा, ऐसा शिवालय जो नदी के तट पर हो, सरोवर के तट पर हो, कुंड के तट पर हो, बावड़ी के तट पर हो, कुएं के तट पर हो, आप सब लोग तो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं और जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, सबके स्मरण में होगा, पहले हमारे जो पूर्वज होते थे वो कुआं बावड़ी के पास में शंकर जी का शिवलिंग रख देते थे, ध्यान में होगा, जिस जिसको स्मरण में होगा उसको मालूम होगा, शिवलिंग लाते थे और जहां कुआं होता था, बावड़ी होता था, तालाब होता था, नदी होती थी, उसके तट पर, उसके पास में शिवलिंग रख देते थे। कारण क्या है? किसी जलाशय, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, सरोवर, इसके पास में जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग को बहुत सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, स्वयं गंगा मैया उस कुंड बावड़ी के रूप में रहकर शिवलिंग को सिद्ध कर देती है और वहां स्वयं विराजमान हो जाती है। महाराज वहां पर भी यह हार श्रृंगार पारिजात का पुष्प शिव को समर्पित किया जाए। 3 जगह ऐसी है जहां कभी मौका मिल जाए और तुम्हारे पास में पारिजात का फूल हो और कहीं तुम्हें मिल गया, तुमने आज्ञा ले ली, हम ये पुष्प ले लें क्या, और लेकर अगर आपने चढ़ाया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। पारिजात हार श्रृंगार का पुष्प, चंदन भी प्रयोग कर सकते हो,
चंदन। शिव पुराण कह रहे, आज भी शास्त्र कहता है जिसका राहु गड़बड़ चलता है, जिसका केतु गड़बड़ चल रहा हो, पत्रिका में राहु केतु अगर तुम्हारे को दोष दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, कुछ नहीं, एक सफेद फूल लेकर 21 बार आपके ऊपर से उतार कर राहु का स्मरण कर शंकर के चरणों में जहां से पानी नीचे गिरता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, जलाधारी में से जहां पानी नीचे गिरता है, उस नीचे वाली जगह पर जहां पानी गिर रहा है वहां ले जाकर उसको रख दीजिए। राहु जिंदगी में कष्ट नहीं दे सकता, कभी जिंदगी में कष्ट नहीं देगा।